गुड इवनिंग एवरीवन। हाय नितिन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी बढ़िया होगे। और अब कहीं ना कहीं जैसे बहुत लोग हैं, इन लोग का भी SBI ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा लोगों का पेपर खत्म हो चुका है। मगर कुछ अभी लोग हैं जिनका अभी भी स्टेट बैंक का एग्जाम जो कि 27 को है, काफी लोगों का बाकी है। और कहीं ना कहीं अब लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि अब उन लोगों ने जिस भी प्लेटफॉर्म की उन्हें मॉक टेस्ट परचेज करी उनको वो देना चाहिए या मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट देनी चाहिए, तो वो लोग काफी कंफ्यूज है। प्लस कुछ लोग अब ऐसे हैं जिन लोग जो कि काफी उनका ऑलरेडी प्री खत्म हो चुका और थोड़े बहुत कंफर्म है उनके इस अटेम्प्ट से कि भाई हमें अब मेन स्टार्ट करना चाहिए, तो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना, यदि पसंद आए, लगा कि हाँ सही बताया, सही तरीके से गाइड किया, तो उसको शेयर भी करना, लाइक भी करना, और नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नितिन सिंह 1412 94, और टेलीग्राम का ग्रुप नितिन का निरीक्षण, इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहली बात यह है कि जिन लोग का भी SBI PO का पेपर है 27 को, मेरे हिसाब से उन लोगों ने जो भी मॉक टेस्ट परचेज करी होगी, आई गेस उसको अभी यूज करना थोड़ा मुझे लगता है कि कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अब पेपर कैसा बन रहा है। तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो लगता है कि आपने आप मेमोरी बेस वाली मॉक टेस्ट देनी चाहिए। मैंने भी वही करके गया था 21 तारीख को, थोड़ा मुझे बेनिफिट हुआ, इसलिए गाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म की आपने मॉक टेस्ट परचेस करी है, आप उस प्लेटफॉर्म की मेमोरी बेस मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा अभी टेस्ट बुक की भी फ्री लाइव वाली मॉक टेस्ट चल रही है, लाइव वाली उनकी मॉक टेस्ट, तो कल तक उनका, आई गेस कल के दिन लास्ट दिन है जिसपे वो लोग, कल शाम तक शायद लास्ट है। तो जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दी है टेस्ट बुक की, वो टेस्ट बुक की मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और यदि अच्छी लगे और उनका अभी IBPS PO या IBPS क्लर्क के लिए उनको सोच रहे हैं, उनको परचेज करना है, तो वो लोग टेस्ट बुक की मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। यदि मेरा कूपन कोड नितिन ऐड करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा 120 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मॉक टेस्ट की। सबसे सेकेंड चीज ये, जिन लोग का हो गया, मेरा भी खुद का हो गया, तो मैं बेसिकली अब दो चीजों पर काफी फोकस कर रहा हूँ, एक तो डिस्क्रिप्टिव पे और दूसरा करंट अफेयर्स पे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क का है PO के अंदर SBI में, और अपना जो उसमें IBPS PO में उसमें 25 मार्क का है। तो कहीं ना कहीं यदि एक बार भी हम डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें, तो शायद हम दो एग्जाम को अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। तो मैं तो यार अपनी बुआ से हेल्प मांगता हूँ कि बुआ मुझे रोज का लेटर दे दिया करो, मैं लिख दिया करूँगा और आप उसको चेक कर दिया करो। मैं तो यही करता हूँ फॉर्मेट, आप बताना। आप तो आप लोग भी अपने कोई फ्रेंड्स होंगे, अपने कलीग जो कि कहीं ना कहीं आप लोग साथ पढ़ते होंगे, तो आप या तो नेट से गूगल से डाउनलोड कर लो, कोई PDF मिल जाए आपको, या आप खुद ही करो और आपने कोई अब जो इंग्लिश में अच्छा होगा उसको दिखा दिया करो। सेकेंड चीज़ करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स आपको पता है लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेवल पर आई थी, तो करेंट अफेयर्स को अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी भी आप पढ़ सकते हो। तो मैं रोज का क्या कर रहा हूँ भाई, मैं ज़्यादा महीने पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अक्टूबर से पढ़ रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के PO के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैं सिर्फ 3 महीने पढ़ रहा हूँ। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग भी 3 महीने पढ़ो, मैं ये बोलूँगा कि आप लोग एटलीस्ट 4 महीने कम से कम पढ़ो। क्यों? रीज़न सिंपल है, आप लोग स्टेट बैंक के लिए पढ़ लोगे, यदि आपका IBPS PO प्री क्वालिफाई होता है तो उसके एग्ज़ाम जैन में है, IBPS क्लर्क की एग्ज़ाम भी जैन में है। तो आपका यदि अक्टूबर या सितंबर से पढ़ के जाओगे, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी करीबन करीबन आपके 4.5 या 5 महीने अच्छे से पढ़ के होगे। अब मैं अफेयर्स क्लाउड आपको रिकमेंड करूँगा करंट अफेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी अच्छा डिटेल में उनका PDF कोर्स को कंपाइल किया है, प्लस उनके जो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, तो उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहाँ से जाके उनके करेंट अफेयर्स की जो PDF सेक्शन है उसको आप डाउनलोड कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बेनिफिट मिले। बाकी लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, मेंस की मॉक टेस्ट अभी मत लगाओ, अभी पहले थोड़ा अपनी चीज़ें कंप्लीट करो, ताकि कैसा होगा जब आप मेंस थोड़ा करेंट पढ़ लोगे, जब आप मॉक लगाओगे, यदि आपका स्कोर ही कम आएगा तो पहले से डीमोटिवेट फील करोगे, मगर यदि आप थोड़ा प्रिपेयर होके आप मॉक लगाओगे तो स्कोर एक बेटर आएगा, जिससे कैसा होगा अपने अंदर से ही पॉजिटिव वाली एटीट्यूड डेवलप होगा, और वो एटीट्यूड आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। बाकी तो यार सबकी अपनी अपनी चॉइस है। यदि वीडियो सही लगा लाइक भी करना, शेयर भी करना,
और यदि लगे कि हाँ इस बंदे से कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का ग्रुप तो है ही, और यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।